पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी डीएमआईटी आपने ले रखी है, लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना दिल खोल के आपको इनवाइट कर रही है कि चलो तुमने कहीं से भी ले रखा हो, तुम हमारे सदस्य नहीं हो, यानी तुम किसी और के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पिता बनने के लिए हम लोग रेडी हैं। जिसने डीएमआईटी किसी भी जगह से ले रखी है और वो स्कूल नहीं कर पा रहा है, ना कोचिंग सेंटर ना कुछ भी, और वो करना चाहता है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान है? चूंकि वो आपसे नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या आप उसे स्कूल करने में मदद कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन आप लोगों के यहाँ पे? बिल्कुल है। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा सर, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि स्कूल भी आप ही करा दो? स्कूल भी आप करा दो? हम लोग इसका भी प्लान कर रहे हैं सर। की कंपनी पूरे भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल डीएमआईटी का सर आप ही का भाई? लास्ट देखा था तब तक तो 1750 थे, लेकिन 1750 माय गॉड, इतना बड़ा वीडियो इसका, इंडिया में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई सी भी नहीं है जो डीएमआईटी इंडस्ट्री में इतना बड़ा चैनल रखती हो। आईआईटी होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए गुर जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साथ में टीम 360 के यूट्यूब चैनल पर। विपुल सर मौजूद हैं जो कि डीएमआईटी इंडस्ट्री में पिछले लंबे टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अनुभव रखते हैं सर। और मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे जितने भी दर्शक हैं जो भी नियमित रूप से डीएमआईटी के वीडियोज देखते हैं, उनके कई सारे ऐसे डाउट हो सकते हैं जिन्हें हम लोग क्लियर कर सकते हैं, तो आज हमारे साथ में मौजूद है विपुल सर जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर प्लीज़ आप पहले, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सभी ऑडियंस को। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार विनीत जी। नमस्कार, मेरा नाम विपुल शर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ टीम 360 में। करीब जो है हम पिछले 12 साल से एजुकेशन लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, डीएमआईटी इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुली कार्य कर रहे हैं और हमारी दो कंपनीज हैं, एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सर। मैं क्या सर कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके आया था ऑडियंस के नज़र से कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हमारे सभी दर्शकों को फायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आप लगभग अभी आपने बताया डीएमआईटी इंडस्ट्री में 12 साल से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, और जितने दर्शक देख रहे हैं उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 12 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहे होंगे, कोई 15-16 साल से, परंतु ऐसा देखने में आता है कि सब लोगों ने डीएमआईटी कहीं ना कहीं से अरेंज करके ले रखा है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी, लेकिन ये सफल नहीं है, उतने मुकाम पर नहीं पहुंचे जितने आपकी सफलता इतनी चरम सीमा पर है, उसका क्या कारण हो सकता है सर? एक सबसे बड़ा कारण था जो है ना उसका, वो सीरियसनेस का है। जिस सीरियसनेस से कोई व्यक्ति एमबीबीएस की तैयारी करता है ना, उस सीरियसनेस से इस डीएमआईटी की तैयारी नहीं करते हैं। इसको कमाई का जरिया तो मानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हाथ में आ जाए जिससे हम पैसे कमा लें, पर उतना पैशन के साथ जितना इंजीनियरिंग के लिए, एमबीबीएस के लिए, एमबीए के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बच्चा लगता है, उसके माँ बाप लगते हैं कि भैया ये डिग्री लेके निकले और फिर आगे करियर बनाए, उतनी सीरियसनेस नहीं है, उतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो सफलता नहीं है, मतलब गंभीरता नहीं है। लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, फिर घर चले जाते हैं और सो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, मतलब वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सर का कहना है कि आप जो है लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं गंभीरता को इस तरह से जोड़ सकता हूं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर काम नहीं करते हैं कुछ भी, ना खुद के ऊपर ना इसको मार्केट में लेके जाएंगे। जैसे डीएमआईटी है, कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हो तो आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी होती है, उसका अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के दो पार्ट हैं, निरंतर घर पे भी प्रैक्टिस करो और फिर जितना ज़्यादा आप स्कूल्स में जाओगे, लोगों से मिलोगे, उन्हें चीज़ बताओगे, उनके क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा निखर के आते हो। अब आप घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, ज़्यादा कुछ अभ्यास नहीं कर रहे, किताबें नहीं पढ़ रहे, चीज़ों के बारे में समझ नहीं रहे, और बाहर तो आप जाते ही नहीं हो, तो दोनों ही चीज़ें नहीं होती है, तो नहीं होती है तो वो निखर के नहीं आता, फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैसा हम कमाएं, तो जितना पैसा आप कमाना चाहते हो ना उतने लेवल का आपका काम भी होना चाहिए। काम उस लेवल का नहीं है तो फिर ईश्वर भी उतना पैसा देता नहीं है, जितनी अंदर योग्यता उतना ही मिलता है। एकदम सही कह रहे हैं सर, आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, 12 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक्चुअल में कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पर डीएमआईटी के एंड यूजर, जहां पर बच्चे हैं या बड़ों का भी किया जा सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं, ऐसी जगह हैं, कौन से फील्ड में हम डीएमआईटी को कर सकते हैं, कौन से ऐसी जगह हैं? ये तो बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जहाँ इंसान मौजूद है ना वहाँ डीएमआईटी हो सकती है, लेकिन इसको और अगर स्पेसिफिकली समझे कि आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, आप स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ बच्चे ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि पेरेंट बच्चे फोकस्ड हैं कि भाई बच्चों का करियर अच्छा बन जाए। आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं, जितनी भी एमएनसीज है, कंपनीज है, उनके जो एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सब फिंगरप्रिंट के बेसिस पे आप उनको गाइड कर सकते हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट कौन व्यक्ति किसके लिए बेस्ट है उस जगह उसको लगाया जाए, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट में जा सकते हैं,
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग में भी वो स्कूल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, बैंक पीओ की, एसएससी की या इंजीनियरिंग मेडिकल की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत है, और चाहे तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं, तो ऑनलाइन में तो आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना के अपने प्लेस पर भी बुला सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपने बताया स्कूल्स में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता सकते हैं डीएमआईटी से उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सब्जेक्ट ले सकेंगे। साथ में आपने एक सेक्टर और बताया एमएनसी के अंदर जो लोग एचआर लोग हैं उनसे अप्रोच किया जा सकता है ताकि वो अपने जो भी उनकी पोस्ट है उसको डिजर्व करने वाले कैंडिडेट को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करियर बता सके भाई तुम इस पोस्ट के लिए हो। जैसे जैसे आपको एक और जानकारी के बताया, बिल्कुल सही कहा, जैसे मान लीजिए कोई एचआर के अंदर अच्छा करता है या किसी की सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल रखा है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको सेलिंग से संबंधित दिया जाए, किसी को बोलने में जोर आता है, ग्रोथ। दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत अच्छा यूज है। अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग के सक्षम से मिले लीडर, उन्होंने सिर्फ इसे ले लिया कि खुद मैं तो सबको सेम लेक्चर देता हूँ लेकिन कुछ लोग तो ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाती है क्योंकि इसमें लर्निंग पैटर्न आता है, जो काइनेस्थेटिक मोड का उसको करके एक्टिविटी दिखानी पड़ती है, विजुअल मोड वाले को वीडियो दिखाते हैं, ऑडिटरी वाले को बोल के सुनाते हैं। अब आप सुना रहे हो तो केवल ऑडिटरी वाले को सुन रहा है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स भी इसका बहुत यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस वाले भी बहुत यूज़ करते हैं। ऐसे आप बहुत सारे फैक्टर्स में, बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल सही का, मतलब सुनने वालों को सुना के किया जाए। इससे मुझे एक मूवी ध्यान में आ रही है, अभी एक लेटेस्ट मूवी मैंने देखी सर श्रीकांत, तो श्रीकांत मूवी बहुत ही गजब की, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को मतलब किसी तरह से जाने अनजाने में उसने अपने सुनने वाले स्किल को इतना ध्यान से महसूस किया, यूज किया, उसके बाद में तो बहुत हाइट पे गया, जबरदस्त कमाल किया, जबकि वो पर्सन ब्लाइंड है तो उसने आंखों से नहीं देख रखा लेकिन सुन के बहुत कमाल कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट से अगर आइडिया लग जाए कि बच्चा क्या क्वालिटी लेके आया तो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया। हमारे पास में एक क्वेश्चन और सर आपके लिए कि क्या कारण है कि लोग डीएमआईटी में असफल हो जाते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ऐसी क्वालिफिकेशन विशेष चाहिए या ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए? एक कारण तो आपने बताया कि लोग एक्टिवली गंभीरता से काम नहीं करते और कंसिस्टेंट नहीं करते, क्वालिफिकेशन का भी कहीं मैटर करता है या कोई स्किल विशेष होनी चाहिए जो आप में है लोगों में नहीं है? देखिए एज सच ऐसी कोई स्किल कोई आपको कोई छेनी हथौड़ा लेके कुछ तोड़ना नहीं है, ये तो बहुत सही बात है, लेकिन फिर भी हर फील्ड की अपनी एक स्पेसिफिक योग्यता क्वालिटी होती है, वो होनी चाहिए। अगर आप किसी टेलर के पास जाओगे वो कपड़े सिलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दोनों का काम एक तरह से भाई, एक सर्जन होते हैं वो अलग तरह से सर्जरी करते हैं, कपड़े वाले अपनी सर्जरी कपड़े के हिसाब से अलग करते हैं, दोनों का काम अलग है, कारपेंटर का काम अलग है, एजुकेशनिस्ट का काम अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कुछ भी आशा नहीं कर सकते लेकिन वो गुणे भाग एक्टिविटी बहुत अच्छे कर सकते हैं। हर फील्ड की अपनी एक योग्यता है जो आपके पास होनी चाहिए। डीएमआईटी की सबसे स्पेसिफिकली देखिए, हम लोग इतने 12 साल से इस लाइन में, तो हम ये कहें कि किसी चीज की जरूरत नहीं, आप तो आ जाओ ऑथराइजेशन सेंटर ले लो और काम चालू कर दो, तो ये तो देखो सरासर लोगों को ना मिसगाइड करना है। आप स्कूल जाओगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां आपको डायरेक्टर मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलेंगे, वो बहुत एजुकेशनिस्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग एक मिनट में भांप लेते हैं, तो उस लेवल की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं ये नहीं कहता आपका अंग्रेजी पे बहुत अच्छा कमांड हो लेकिन हिंदी पे तो आपका अच्छा अभ्यास होना ही चाहिए, बोलना आना चाहिए। अगर आपको स्टेज पे जाना है, जब आप बच्चों के करियर की बात कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने करियर को लेके तो क्लियर हो, क्या स्टेज के ऊपर बोलना आना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए आपका, एक आदमी से कैसे बात की जाए, एक फैमिली से कैसे बात की जाए, 100 लोगों के आगे कैसे बात की जाए, और अगर 1000 लोग बैठे हैं सामने तो कैसे बात की जाए, बच्चों से किस तरह से बात की जाए, अगर पेरेंट्स खूब सारे बैठे हैं तो कैसे बात की जाए, अगर सारे एजुकेशनिस्ट प्रिंसिपल्स का पैनल बैठा हुआ है तो उनसे कैसे बात की जाए, इन सब का आपको अभ्यास करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही ग्राउंड पे चले जाएं और साहब आपको हो जाए। अगर आप बताएं विनीचर, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया का मैच हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने जीता, उसमें एक कैच बहुत फेमस हुआ, बहुत जबरदस्त फेमस हुआ सूर्य कुमार यादव का, जो उन्होंने बाउंड्री पे जाके ऐसे कैच किया और वो चले गए थे बाउंड्री में लेकिन उन्होंने बॉल को हवा में उछाल दिया, उसके बाद में कैच किया, तो सबको लगा कि यार क्या गजब है, क्या कैच किया। बाद में सूर्य कुमार यादव के लिए रोहित शर्मा ने और जो उनके कोच है राहुल द्रविड़ ने बात क्लियर कही कि सूर्य कुमार यादव ने इस तरह के कैच के पता नहीं 200-300-500 बार प्रैक्टिस की थी कि अगर ऐसा कैच आ जाए तो मैं ऐसे करके उछाल के पकड़ लूंगा, तो ऑन द स्पॉट नहीं हुई है उसकी, उसने बहुत पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो ऐसे ही आप सोचो, सामने स्कूल के प्रिंसिपल्स बैठे, हम डीएमआईटी बता देंगे और वो साइन करके हमें दे देंगे, ऐसा नहीं होता भाई, आपको प्रैक्टिस और जबरदस्त किया हुआ होता है तब वो चीज निखर के आती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आपसे मिलने से पहले क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने कई वीडियोस भी देखे थे, तो मैंने ऐसा देखा कि
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ में भी जुड़े हुए हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जहाँ से कहीं से उन लोगों ने डीएमआईटी ले रखी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आईआईटीएन भी हैं, कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं लेकिन इस प्रोफेशन में आ चुके हैं, कुछ लोग बैंक मैनेजर भी हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कहीं दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी वो सफल हो रहे हैं। आईआईटी है तो पढ़ाई की दृष्टि से उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भाई अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैनेजर हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी मेडिकल डॉक्टर, उसके बाद भी डीएमआईटी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा रीज़न है कि भाई क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल कहीं वीक है या टीम नहीं उनके पास या कोई रास्ता नहीं है, कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, क्या कारण हो सकता है कि एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन मार्केट में जा रहे हैं तब असफल हो रहा है, प्रिंसिपल को भी टेकल नहीं कर पा रहा है, एक आईआईटी और डॉक्टर भी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वैसे तो आपने आधा आंसर स्वयं अपने शब्दों में दे दिया लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े लीडर भी हैं सुमित बहादुर, आईआईटी किया उन्होंने और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो सफल हुए तो उन्होंने कहा कि इस धंधे में सफल होने से हमें बहुत टाइम लग गया, असफल ये सफलता मिल रही थी, क्यों? क्योंकि हमारी खुद की पढ़ाई बीच में आ रही थी। क्या होता है ना कि आप आईआईटी कर गए, मेडिकल कर गए, बहुत खुशी की बात है लेकिन किसी इंसान से कैसे बात करनी है, उनको कैसे चीज़ समझानी है, इसकी भी टेक्निक होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने होते, अगर सामने वाले ने आपसे आर्ग्यू कर लिया तो अब आप तो जंग जीतने पे हो कि उससे आर्ग्यूमेंट जीतना ही है, आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओ डीएमआईटी हार जाओगे, सीधी सी बात है, वो नहीं करा पाएंगे। तो डीएमआईटी नो डाउट एक एजुकेशन लाइन का काम है लेकिन साथ ही साथ बिजनेस भी है, और बिजनेस के गुर सीखने पड़ते हैं, केवल एजुकेशन लेने से नहीं होता है, आपको उसके गुर सीखने पड़ेंगे तो ही आप बहुत पैसा कमाओगे। बिजनेस के गुर के लिए तो रिच डैड पुअर डैड और ऐसी किताबें लिखी गई है, पढ़ाई तो हमने सबने बहुत की भी है लेकिन कुछ है कि अमीर बन पाते हैं क्योंकि उन्हें वो बिजनेस के गुर आते हैं, और डीएमआईटी बहुत लोग लेके बैठे हैं लेकिन वो सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उसके जो बिजनेस के गुर है ना वो टीम 360 को बहुत अच्छे से आते हैं, वो लोगों के पास में नहीं। आईआईटी होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए गुर जरूरी है, जरूरी और जिन्होंने जिनको वास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे आप लोग 12-13 साल से काम में काम कर रहे हैं, यानी कि डीएमआईटी के लिए भी पुराना मंजावा खिलाड़ी गुरु चाहिए, जो गुरु उन्हें गुरु देगा तभी काम होने वाला, तब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, मैं एक जानकारी और चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर सभी लोगों का रहता है कि मार्केट में तो डीएमआईटी 30-30 हज़ार रुपए में मिलती है, गली गली के अंदर मिल रही है, 30-30 हज़ार रुपए में मिल रही है, तो आपका तो कंसेप्ट थोड़ा सा उनके कंपेरेटिवली महंगा रहता है, जैसे आप लोग 1,18,000 का डीएमआईटी देते हैं, अभी आप नया कंसेप्ट और लेकर आ गए हैं जिसे रिज एनालिसिस बोल रहे हैं, आपकी टीम से मैंने बात की, उन्होंने बताया रिज एनालिसिस जो कि 1,60,000 का है, मार्केट में 30,000 में चीज़ मिल रही है, तो ये वेरिएशन कैसे है? 30,000 वाला आदमी सफल तो नहीं हो रहा लेकिन अट्रैक्ट होकर उधर जाएगा, और आपका इतना महंगा क्या कारण है? देखिए वैसे तो मैं इसका बहुत सटीक आंसर दे सकता हूँ आपको, दूंगा, लेकिन एक छोटा सा, आपको कल एक रील देख रहा था और चूंकि आपने कह दिया तो मैं बता रहा हूँ, मोबाइल पर रील आ रही थी कि देखो मैं मात्र 10,000 रुपये में आईफोन खरीद के ले आया, तो सबको दिखाना चाह रहे थे वो आईफोन, तो उन्होंने आईफोन ओपन किया तो जैसा आईफोन हुआ तो सबसे पहले एप्पल निकल कर आया, फिर थोड़ी देर बाद हाँ कटा हुआ एप्पल निकल कर आया, उसके बाद सैमसंग लिखा हुआ आया उसमें, उसके बाद नोकिया खुला, फिर नोकिया के बाद में वीवो का खुला, वो खुलता ही रहा और वो बाद में मोबाइल बंद हो गया। तो स्थिति ये होती है, क्या है जो सस्ती चीज़ होती है ना उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि क्वालिटी नहीं मिल पाती है, हम किसी पर्टिकुलर जो है किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं करते कि आपने इतने सस्ते में क्यों दे दिया, वो एक सॉफ्टवेयर है, आपको सॉफ्टवेयर पकड़ा देंगे, आप भी सॉफ्टवेयर ले लो, आपको स्टेथोस्कोप दे देते हैं, जाके डॉक्टरी कर लो फिर आप लोग, अगर स्टेथोस्कोप गले में लटका लेने से, या किताबें एमबीबीएस की एनाटॉमी की हम आपके हाथ में दे देते हैं, ले लो हाथ में किताब में और गले में स्टेथोस्कोप ले लो, फिर लोगों को करो इलाज, देखे कोई आपसे इलाज कराए, तो केवल सॉफ्टवेयर लेने मात्र से बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती ना, इसलिए 30,000 रुपए में जो मार्केट के अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मिल रहा है आपको, हो सकता है थोड़ी बहुत उसकी आपको ट्रेनिंग दे दे लेकिन उसके बाद में वो ट्रेनिंग तो क्या है, प्रैक्टिकल तो होती नहीं है, थ्योरी खोल के दिखा देते हैं, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, हम लोग सॉफ्टवेयर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी धंधे में जाओगे ट्रेनिंग ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेनिंग अगर नहीं आपके पास में तो इंस्ट्रूमेंट लिए घूमते रहो, इसलिए ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर की कमी के कारण मतलब सॉफ्टवेयर लिए घूमते रहो, फिर वो लोग आपसे कहते हैं काउंसलिंग कर दो, सर काउंसलिंग तो करनी नहीं आती आपको, रिपोर्ट हम बना के आपको दे देंगे, तो वो ऐसे लोग फिर मार्केट और खराब होता है क्योंकि दूसरे लोगों पे गलत आ रहा है, वो हमारे पास आए थे, वो पहले एक फिंगरप्रिंट करके चले गए, रिपोर्ट दे गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इससे मार्केट और खराब होता है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड ना रहे, सॉफ्टवेयर बेस्ड की वजह से वो लोग सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, किसी कोई पर्सन ऐसे थे जो कि जिन्होंने 30,000 की डीएमआईटी कहीं से ले रखी थी और एक बनारस की किसी स्कूल के अंदर चले गए, स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, रेपुटेशन है अगलों की, तो स्कूल में चले गए, वहां जाकर उन्होंने बोला डीएमआईटी, तो प्रिंसिपल ने तपाक के उत्तर दिया, अरे डीएमआईटी तो हमने 20 साल पहले करा ली थी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर लिया हुआ आदमी था ना उसको ये नहीं पता कि भाई इंडिया में 20 साल पहले आई नहीं थी, तो ट्रेनिंग का अभाव रहा कहीं ना कहीं,
एक चीज मेरे को कल एक डॉक्टर ने से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यार हम जब किसी को टेस्ट करते हैं फीस लेते हैं 500 रुपए, तो उसको अखरती है पेशेंट को, अरे यार 500 रुपए ले लिए, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि 5 मिनट के डायग्नोस के लिए मैंने 15 साल पढ़ाई की है। सही बात, यानी कि 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तब आप 5 से 10 मिनट में स्कूल क्रैक कर पाते हैं, तो गुर आपको सीखने की आवश्यकता है। चलिए सर, अभी आपसे एक चीज और हम पूछना चाहेंगे जो कि बहुत ही काम की चीज मैं आपसे पूछूंगा। सर एक बात बताइए कि कोई भी इंसान है इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर का व्यक्ति, जिसने DMIT किसी भी जगह से ले रखी है और वो स्कूल नहीं कर पा रहा है, ना कोचिंग सेंटर ना कुछ भी, और वो करना चाहता है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान है? चूंकि वो आपसे नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या आप उसे स्कूल करने में मदद कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन आप लोगों के यहाँ पे? बिल्कुल है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसने पैसे नहीं दिए ट्रेनिंग के? बिल्कुल। देखिए, शुरुआती दौर में तो आपको बहुत ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि हमारा खुद का भी ऑब्जेक्ट था कि हम पैसे कमाएं और वर्ल्ड वाइड हमारा ही नाम हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमारा काम पूरा जम गया, हमने ऑथराइजेशन सेंटर देने शुरू कर दिए, तो हमारे को ये एहसास हुआ कि हमारी तो दुकान जमी हुई है, अब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत लोग हमारे को फ़ोन करते हैं कि यार हमारे पास जो पैसे थे ना 30,000 40,000, वो तो हम दे आए, अब हमारे पास वो भी नहीं रहे, तो हम आपसे लेना तो चाहते हैं लेकिन हम लेने पैसे नहीं है, विलिंगनेस है। सर हमारी क्या गलती है, हमने वीडियो आपका बाद में देखा, वो पहले एक व्यक्ति जानकार मिल गए, उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, और हम लोग लालच में आ गए, आपका 1,60,000 का नहीं देख, और हम लोगों ने तो 30,000 के चक्कर में लालच में ले लिया। आप कैसे हेल्प करते? हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। देखिए एकदम क्लियर बात है, अगर कोई व्यक्ति पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से DMIT मिडब्रेन का प्रोग्राम ले आए और सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप टीम 360 कंपनी में फोन करें, उन्हें अप्रोच करें, हम लोगों को अप्रोच करें टीम 360 में, और हम लोग आपको एक सुविधा दे रहे हैं जिसमें आप टीम 360 का क्लब ज्वाइन कर सकते हो, और उस क्लब को ज्वाइन करने के बाद हमारी सुविधाएं ले सकते हो। भाई आपने कहीं से भी DMIT मिडब्रेन लिया होगा, भाई सॉफ्टवेयर तो सेम ही है ना, किताबें तो सेम ही होती है, इंपॉर्टेंट उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या हो सकता है, आपको स्कूल के डायरेक्टर से बात करना नहीं आता, कोचिंग में बात करना नहीं आता, अगर मान लो बात कर रहे हैं तो वहां पे कन्वर्जन करना नहीं आता, क्लास कराना नहीं आता, काउंसलिंग कराना नहीं आता, तो टीम 360 का क्लब ज्वाइन कर लो, वहां पे ये सारी सुविधाएं टीम 360 स्वयं आपके लिए देती है और आप इसका लाभ उठा सकते हो। तो आपके एक जो लगा हुआ पैसा है ना, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और टीम 360 का क्लब ज्वाइन कर लोगे तो आगे ट्रेनिंग भी मिल पाएगी, टीम 360 का सपोर्ट भी मिल पाएगा, और एंड ऑफ द डे लोगों को कंट्रीब्यूट करते हुए आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। बहुत बढ़िया, मतलब 1,60,000 जिसके पास नहीं है देने के लिए अभी, पर वो कहीं ना कहीं से ले चुका है सॉफ्टवेयर, अभी आप ये एश्योरिटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ टीम 360 के द्वारा बनाएगा, जो कि क्लब शायद ही इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है, क्योंकि कोई ऐसा सपोर्ट देगा नहीं, जहाँ तक कि मैंने रिसर्च करी है सब लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, क्लब की सुविधा कोई नहीं दे रहा आपके अलावा। तो एक बहुत ही बहुत अच्छा इनिशिएट आपने किया है, तो मैं कहना चाहूँगा भी जिन लोगों ने ले रखा है पहले से इंडस्ट्री, कहीं से कुछ भी ले रखा है आपने, XYZ जो भी अमाउंट दिया है, आप स्कूल करना चाहते हैं तो टीम 360 का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। सर कितना अमाउंट देना पड़ेगा? देखिए इस क्लब को ये जो क्लब है, इस क्लब को ज्वाइन करने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 30,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप क्लब में शामिल हो सकते हैं। हाँ, हम जब भी सेमिनार करने के लिए जाते हैं किसी के लिए, तो आना जाना रहने की व्यवस्था सामने वाले को करनी होती है, बट वो आपके लिए इतना नहीं है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए सर किसी भी एक व्यक्ति ने मान लो क्लब को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आप देखिए एक बात समझिए, आपने हमसे फ्रेंचाइज नहीं लिया, हमारा आपका कोई लिंक नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि आपको ABCD कितना आता है, टीम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के, कुछ भी नहीं है, बावजूद उसके हम आउट ऑफ वे लाइक जाके हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर किसी का भी हो, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे, तो उसमें हम कहते हैं साहब सबसे पहले तो आप टीम 360 का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइसेंस तो लो, कि हम ये कह सके कि हाँ ये व्यक्ति हमारा है ना, तो इसलिए आपको 30,000 रुपये पे करना होता है ताकि आप क्लब के सदस्य बन जाओ। चूंकि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसका तो इशू रहा नहीं। अब दूसरे नंबर पे आता है कि आप जब हमें बुलाते हैं, मान लीजिए कहीं पे भी सर इन्होंने बुलाया, तो आपने 4 स्कूलों में बात कर ली, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात कर ली, 1 वीक का आपने मान लो प्रोग्राम बनाया, आप हमें वहाँ बुला रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लिया है, उसके बाद उन स्कूल के डायरेक्टर से बात करना, प्रोग्राम करना, क्लास करना, फीस, रिजल्ट निकालना, पैसे कलेक्ट करना, हम सब सहयोग कर रहे हैं। 6 स्कूल है, 5 स्कूल मैं कह रहा हूँ, 3 स्कूल में, 1 में भी कन्वर्जन आया, और मात्र मैं तो कह रहा हूँ 4,000 रुपये फीस लिया आपने, और आपने 85 एडमिशन करवाए हमने आपके, तो भी आपके 2 लाख रुपये आ गए। आप 2 लाख रुपये में मान लो हमारे पे 30,000 का खर्चा कर दिया,
हजार, वैसे एग्जाम्पल तो भी एक 70 रुपए बच गया। मैं कह रहा हूँ आप आपके 30,000 क्लब के भी जोड़ लो तो 60,000 ही तो निकला, तो भी 2,00,000 में से 1,40,000 आपका बच गया जो सुखी सुखी कमाई है, और उसके बाद आगे आगे से आगे आप हमारे साथ में चलते रहो, लाभ लेते रहो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है जो अभी आपको मिल नहीं रहा है और हमारे साथ में नहीं से मिल पाएगा। तो एक चीज शायद यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जिसने 30,000 रुपए लगा रखे हैं ऑलरेडी, 3-4 साल पहले लगाए थे, उसके 4 साल में अब तक 30,000 नहीं निकले, ना वो डीएमआईटी पे एक्सपर्टाइज हासिल कर पाया, लेकिन आपको वापिस से 30,000 देने क्लब ज्वाइन करने के लिए टीम 360 का, तो कहीं ना कहीं ये श्योरिटी है भाई कि 30,000 देंगे, क्लब में आएगा व्यक्ति, सीखेगा करेगा, तो उसकी स्कूल तो हो ही जाएगी, तो लगा निकल ही रहा है उसका, और वहाँ उसका निकला नहीं। क्या ऐसा भी है सर कि आपकी क्लब जो है ये सिखा भी रही है ट्रेनिंग, कि वो भी इस काबिल बन जाए, कि वो भी सेमिनार ले सके, आगे बढ़ सके, आपके साथ साथ रहते उठते बैठते सीख ही जाएगा, तो भविष्य में उसको आपके आने जाने का नहीं करना पड़ेगा? भाई क्लब का अर्थ यही है, क्लब में ज्वाइन कर रहे का मतलब ही है हम लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अरे चुंबक के पास बैठने से तो आलपिन में भी आ जाता है, पर हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में हम ये चीजें सिखाते हैं। जब आप सेमिनार हम लोग कर रहे हो और आप हमारे साथ में खड़े हो, खड़े रहने मात्र से ही आप देख रहे हो कि अच्छा है सेमिनार ऐसे लेते हैं, अच्छा इन क्वेश्चन का ऐसे आंसर करते हैं, तो आपको लाइव ही देखने को मिल रहा है और थ्योरिटिकल भी हम सिखाते हैं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका मैं दोनों तरह से जवाब दे रहा हूँ, हम थ्योरिटिकल भी सिखाते हैं और लाइव प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं ताकि आप सीख सको, इन फ्यूचर आप अपने स्तर पे भी काम कर सको। इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, देखिए हम तो क्लब आप ज्वाइन कर लो उसके बाद आप आर्थिक रूप से लाभ कमाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि टीम 360 के साथ परमानेंट जुड़ जाएं तो आप और हम प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हैं, कि मान लो एक टाइम हमने सपोर्ट किया, आपका काम चल पड़ा, सारी चीज़ हो गई, उसके बाद आप चाहते हो हम कंपनी के साथ जुड़े रहें, तो हमारे साथ आप कई सारे रेशियोज में जुड़ सकते हो, 70-30, 30-70, 50-50, हाँ उसके हिसाब से आपका हो जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग भी। तो ये सारी सुविधाएं क्लब वालों को मिलती है, वैसे रास्ते चलते कोई हमें कह दे कि सर हमें सर तो अब हम लोग तो प्लान कर रहे हैं सब हम दुबई जाके बिजनेस करें और आप चाहो हमारे साथ आके करना, तो ये सुविधा तो उसी को मिल सकती है जो क्लब का सदस्य है। यार यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि स्कूल भी आप ही करा दो? स्कूल भी आप करा दो, हम लोग इसका भी प्लान कर रहे हैं, क्लब में तो जोड़ लो पर वो स्कूल करने नहीं जा पाएगा, शुरू में उसमें योग्यता नहीं है, तो क्या आप उसकी स्कूल करा सकते हैं जैसे कहीं का भी देश में? देखिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी हमारे क्लब में आकर आपको, हाँ स्कूल कराने के लिए हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत स्कूल्स हैं और हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हम आपको बता सके उस स्कूल में चले जाओ वहाँ पे बात कर लो, और हम उसके लिए भी ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन वो उसी व्यक्ति के लिए जो सीरियस से इनिशिएटिव ले रहा है क्लब का पहले सदस्य बने, बिल्कुल ये व्यवस्था की जा सकती है जिसमें हम आपके लिए स्कूल का ग्राउंड भी बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगला ये समझे कि स्कूल भी यही कर दे फिर सेमिनार भी यही कर दे और आप अकाउंट डिटेल भेज दो कि मेरे खाते में पैसे डाल देना, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, काम करना पड़ता है। ऐसा भी कोई कंपल्सन है सर कि जब क्लब के मेंबर बन जाएंगे और आपको सेमिनार के लिए बुलाएंगे तो फिर आप लोग तो यूनिफॉर्म में रहते हैं टीम 360 की, टी शर्ट वगैरह में रहते हैं, तो वो व्यक्ति टी शर्ट पहनेंगे या आप टी शर्ट में करेंगे तो उनको कोई आपत्ति वगैरह? देखिए अब आप क्लब के सदस्य बन चुके हैं और क्लब के सदस्य बन गए अर्थात टीम 360 के सदस्य बन गए क्योंकि आपने एक्स ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, वहां से तो आपको कोई सपोर्ट मिला ही नहीं ना, वैसे भी आपका नाम पहले से बना हुआ है, उसका तो यूज ही होगा, इनकेश ही करेंगे एक तरह से। आप यहाँ क्लब में आ रहे हैं का अर्थ यही है कि शायद दूसरी जगहों से वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो आप क्लब के सदस्य बने, टीम 360 के सदस्य बने और टीम 360 का टी शर्ट पहन के करेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे यूट्यूब पे बहुत बिजनेस है, यूट्यूब पे हमारे बहुत वीडियोज हैं, अभी जैसा सर आप बात कर रहे थे, आप नेट पे सर्च करेंगे, अभी सर कह रहे थे कि कोई स्कूल ऐसा जैसे आप सपोर्ट कर ही देते हैं क्या, तो हम उसका उदाहरण बताएं, आप नेट पे सर्च करें जितने भी फ्रेंचाइज के लिए स्कूल्स में हम जाते हैं उन सब के वीडियो अपलोड किए हुए टीम 360 में मिलते हैं, तो आपके सामने उदाहरण है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या टीम 360 स्कूलें करती है, फ्रेंचाइजियों की स्कूल्स ही है जिनको हमने अपलोड कर रखा है। और एक मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि सर का जो कंपनी है, सर की कंपनी पूरे भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल डीएमआईटी का सर आप ही का है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस पे कितने लगभग वीडियोस होंगे? भाई लास्ट देखा था तब तक तो 1,750 थे, लेकिन 1,750 माय गॉड इतना बड़ा वीडियो इसका, तो इंडिया में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई सी भी नहीं है जो डीएमआईटी इंडस्ट्री में इतना बड़ा चैनल रखती हो और बराबर में उसको मेंटेन कर रही है, कंटिन्यू वीडियोस डाल रही है, आपके वीडियो लगभग रोजाना आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं और टीम 360 के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, टीम 360 के हर कैंडिडेट के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, हर कैंडिडेट आपको टीम 360 का देखेगा, और मजेदार बात है कि ऐसा नहीं है कि कल कोई और था
चार दिन बाद कोई और स्टाफ आ गया, 50 दिन बाद कोई और आ गया, आप देखेंगे जो शुरू से कनेक्टेड है ना वही है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितना रिश्ता निभाने में विश्वास रखते हैं। आपने इन सब स्टाफ की आपके टीम मेंबर्स की सभी डीएमआईटी करके इनको रखा होगा। सबकी डीएमआईटी कर रखी है, सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बेसिस पे गाइड करते हैं। और आप लोगों को भी कहते हैं ऐसी टीम तैयार करो जो आपके साथ लंबे समय तक गेम खेले और उसका भी बिजनेस ग्रो रहे, वरना लोग आज आप देखते हैं परिवार में भी लोग कई बार साथ नहीं रह पाते हैं। तो टीम बना के चलना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, और हम ये सिखाते हैं कि टीम कैसे बने, टीम बनी रहेगी तो बहुत पैसा होगा, इंडिविजुअली में पैसा नहीं है। आप मेरे को ये बताइए सर, अभी सब लोगों ने, हमारे दर्शकों ने सुना, अगर इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन है जो इरादा रखता है आपसे आपका सेंटर लेने का या आपके क्लब में ज्वाइन होने का, तो आपका एड्रेस क्या है, कहां पर आप देते हैं ट्रेनिंग, या क्लब की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे होगी? देखिए दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों का जवाब दे देता हूँ। कंपनी का जो ऑफिस है वो जयपुर राजस्थान में है, हम लोग यहाँ जयपुर राजस्थान विद्याधर नगर में यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा F14 F12 वृंदावन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों का ऑफिस है, F12 13 14 15 16 सारे ऑफिसेज हमारे हैं और हम यहाँ से डील करते हैं, तो आप यहाँ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ये है कि सर अभी मुंबई से जयपुर आना, आसाम से जयपुर आना, तमिलनाडु से जयपुर आना इज़ नॉट दैट ईजी, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आजकल तो जूम पे सारी ट्रेनिंग जूम पे होती है और हम लोग जो है दोनों तरह से ट्रेनिंग देते हैं। आप चाहो तो क्लब के सदस्य के लिए तो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है अकाउंट में और ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगी, आप चाहें तो ऑफलाइन हो जाएगी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ट्रेनिंग हो जाएगा। और क्लब का सदस्य बनने के बाद हम इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप स्कूल्स में जाके अपॉइंटमेंट ले सकें ताकि हम लोग आपको वहाँ हेल्प करने के लिए आ सकें। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सर ने बताया एड्रेस जयपुर राजस्थान, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लब का सदस्य बनने के लिए, और फर्दर और भी मोर डिटेल आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्लब के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका प्रैक्टिकल आप स्कूल में जाके भी साथ में ले सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई सुविधा है सर कि आपका सेमिनार इंडिया में किसी भी स्कूल में हो रहा है वहां पे दूसरे लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने क्लब की मेंबरशिप ले रखी है आपकी? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या फायदा हो सकता है सर वहां आए तो? फायदा ही फायदा है। देखो सबसे पहले तो क्लब ज्वाइन कर लिया, सबसे बड़ा फायदा है कि क्लब ज्वाइन करते ही 1750 वीडियोस आपके हो गए, तो आप बोल्डली कंपनी का टी शर्ट पहन के कह सकते हैं ये वीडियोस हमारी कंपनी है, क्योंकि जो कंपनी का सदस्य बन गया वो कंपनी का परिवार का मेन हिस्सा है और वो वीडियो सारे उसके हैं, हमारे ऐसा नहीं है। वही वीडियोज विनीत जी के हैं, वही वीडियोज विपुल जी के हैं, वही डीडी शर्मा जी के, वही अंजुम मैम के, अंजलि मैम के, सबके, डॉक्टर एन के, जो ये वीडियो देख रहे हैं टी शर्ट पहन लो फिर वो वीडियोज आपके भी हैं, ठीक है। दूसरा कहीं पे भी आके आप हमारे, तो अभी का बता देते हैं, इसी मंथ में हम लोग जो है गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखपुर के अंदर हम लोग सेमिनार करने वाले हैं, उसके बाद आसाम के अंदर सेमिनार करने वाले हैं, लखनऊ में, देवरिया में, बहुत जगहों पर, कुशीनगर, लखनऊ, एमपी में, इंदौर में, हम लोग पूरा स्कूल प्रिंसिपल्स का पैनल बन रहा है जहाँ पे 50 स्कूल प्रिंसिपल्स को बुला रहे हैं और उनसे हम प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं। इन सारी जगहों पे जितने भी लोग हैं आप स्वयं वहाँ आके देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट तब है जब आप क्लब के सदस्य बनते हैं, तो क्लब का सदस्य बना हुआ व्यक्ति को ही बुलाएं तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि वही व्यक्ति आपसे सीखा हुआ होगा तो उसको स्कूल में ज्यादा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अनजान आदमी आएगा तो वहाँ खड़ा हो जाएगा दर्शकों की तरफ। हाँ, अब वो तो मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो देख के एंजॉय कर लो, लेकिन मूवी का एक्चुअल बेनिफिट किसको मिलता है? जब मूवी बन रही होती है ना, तो आसपास में असिस्टेंट डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बहुत सारे लोग होते हैं जो खड़े हुए देखते हैं, लाइव देखते हैं कि अच्छा, तो इन फ्यूचर वही असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर बनता है। तो ऐसे में आप प्रैक्टिकली सामने देख रहे हो और आपको पता है कि भैया मैं यहाँ क्लब का सदस्य हूँ, तो आप चार बातें पूछ भी तो सकते हो ना, और हम भी विलिंग रहते हैं बताने के लिए, अरे अपने क्लब के सदस्य हैं भाई, तुम्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, अगली बार हम, चूंकि आपके क्लब के सदस्य हैं ना सर, तो हम मौका देते हैं कि इस बार सेमिनार आप ले लो, हम साथ में खड़े रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछने वाला था, स्टेज पे बोलने का मौका उन्हें मिलता है कि नहीं, ताकि उनके वीडियो फोटो बने तो उनकी भी प्रोफाइल एनरिच होगी, यूट्यूब पर डलेगा, तो आप उसे स्टेज पर 10-15 मिनट डीएमआईटी पर बोलने का मौका देते होंगे? हम हर तरह से मौका देते हैं, हम सेमिनार का भी मौका देते हैं, जब हम स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल से बात करते हैं तब भी हम साथ में रखते हैं और थोड़ा बहुत बोलने का मौका देते हैं ताकि अच्छा साथ का साथ में चले, और जब हम काउंसलिंग करते हैं तब काउंसलिंग में साथ में रखते हैं कि भाई देखो ऐसे काउंसलिंग करनी है, तो वो एक तरह से इंटर्नशिप है जो साथ में रहने से उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं। और यही अंतर है, क्लब का सदस्य इंटर्नशिप करता है एक तरह से, और वो जो लाइव देखना है ना वो देख के चला जाता है मानस बनाने के लिए कि मुझे टीम 360 का ऑथराइजेशन सेंटर लेना है, उनको तो जीरो से शुरू करना है, बेनिफिट उनको यही है कि वो देख लिया उनको, क्लब के सदस्य को प्रैक्टिकली करना मिलता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक है सर, आप बताइए, आप मन से एकदम अंदर से बताइए कि 1,60,000 दे के सेंटर लेना ज्यादा अच्छा है, 1,18,000 दे के या क्लब की मेंबरशिप ली जाए, कौन सी चीजें जो ज्यादा फायदे वाली है, 1,60,000 देना या 30,000? देखिए एक बहुत बेसिक चीज है, 1,60,000
अब जो लोग 50,000 80,000 30,000 दे आए उनका तो जी पहले भारी हो रहा है कि साहब 30,000 तो हम दे ही चुके हैं ही। अब किसी के पास 1,60,000 है ही नहीं, लेकिन वो ऐसा कोई इंसान जिसने 30,000 पहले वेस्ट कर दिए कहीं और वो भी 1,60,000 अरेंज कर सकता है, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे? 1,60,000 देकर पूरा सिस्टम ले ले या क्लब मेंबरशिप ही ले? इसकी तो होड़ी नहीं है, इसकी तो होड़ी नहीं है अगर 1,60,000। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे, एक कोर्स की फीस 30,000 रुपए सर, और 8 कोर्स है हमारे पास, तो 2,40,000 रुपए होते हैं। 2,40,000 की चीज आपको 1,60,000 में मिल गई, उसमें क्लब का मेंबरशिप भी मिल गया, आपको बेनिफिट हो गया। तो देखो वो तो 30,000 का फायदा, उसमें सीधा सीधा बेनिफिट है, सारा बेनिफिट मिल गया। लेकिन कोई आदमी ऐसा है सर जो कह रहा है मेरे पास तो ले दे के टोटली जो है 30,000 रुपए हैं, मैंने तो ले लिया कोर्स, तो उसके लिए आपने योजना बना रखी है कि वो भी बेचारा कमा सके पैसा इसलिए क्लब मेंबरशिप। हाँ, क्या 1,60,000 में क्लब मेंबरशिप की अमाउंट शामिल है या अलग से होती है? क्लब मेंबरशिप की फीस 1,60,000 में शामिल है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में अगर ये बात आए, मैं सर यहाँ ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, भाई क्लब मेंबरशिप आपने ले ली 30,000 रुपए की, ठीक है आप ज्वाइन हो गए, आप हमारे साथ काम कर रहे हो, लेकिन धीमे धीमे जब आपके पास पैसे आए तो बचे कोर्सेज भी आप ले लो जो आपके पास में नहीं है, ताकि फिर वो 1,60,000 वाला आपका प्रॉपर सिस्टम आपके पास में आ जाए। पैसा भी आपको कमाना सिखा रहे हैं क्लब में मेंबर बना के, और साथ ही साथ धीमे धीमे इन्वेस्ट करके आप बचे हुए कोर्सेज भी ले लो, क्योंकि ब्रेन इंजीनियरिंग अब जो व्यक्ति सर DMIT एडमिट करके आ रहे हैं उनके पास ब्रेन इंजीनियरिंग है ही नहीं, तो आपने क्लब के मेंबर तो बन गए हो लेकिन आपके पास ब्रेन इंजीनियरिंग नहीं है, तो वो जो 8 कोर्सेज है ना हमारे यूनिक, NLP नहीं है आपके पास में, डायनेमिक मेमोरी नहीं है आपके पास में, आपके पास तो सिर्फ DMIT मेडबेन है, बावजूद उसके हम कह रहे हैं वहां जाके हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप 30,000 पे करें और क्लब के सदस्य बन जाए तो हम आपको हेल्प कर सके, और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे एडजस्ट कर सके, थोड़ा अमाउंट और पे कर सके, तो आप एक कोर्स ब्रेन इंजीनियरिंग का और ले लो ताकि आपका कॉम्बो बन जाए, या डायनेमिक मेमोरी का ले लो एक कॉम्बो बन जाए, ताकि आपको स्कूल्स में कोचिंग में जाना आसान हो जाए। लेकिन ये सारी सुविधाएं सर केवल उस व्यक्ति के लिए है जो क्लब का सदस्य बने और जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन टीम 360 के साथ जुड़ना चाहता है। क्यों? उसे बुक्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना आपने 13 किताबें लिखी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप टीम 360 ने इतना बड़ा लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे बुक्स भी लिखी है आपने, क्लब मेंबरशिप वालों को वो ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल, और फिर सर एक रीजन ये भी है, जिन लोगों ने किसी और से ले लिया जी, कहीं से भी पैसा तो इन्वेस्ट हो ही गया ना उनका, परेशान, उनके सपने टूटे नहीं हुए, विश्वास ही टूट गया कि सब बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी ग्रो कर सकते, अभी भी ग्रो कर सकते हैं, और धीमे धीमे जब पैसे आ जाएं तो बचे हुए कोर्सेज हमारे सारे ले सकते हैं और हमारे साथ में फुल फ्लैश वैसे भी कर सकते हैं, तो इनकम तो इनको हो ही रही है। ऐसे कोई 2 कोर्स आप बताएंगे सर जो केवल टीम 360 के पास ही है और अदर कंपनियां प्रोवाइड नहीं कर रही है ना करवा पाती है? 2 इतने यूनिक कोर्स हैं सर जो किसी के पास में नहीं है, एक ब्रेन इंजीनियरिंग जो खुद हमारा बनाया हुआ है वो किसी के पास में नहीं है, ये DMIT मिड ब्रेन बहुत सारे कोर्सेज लोग करते हैं, जाके स्कूल में बताते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई भी ये बात जोर देके नहीं कहता है इंडिविजुअल पेरेंट्स से भी कि आप पूरी बुक पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। हम कहते हैं क्योंकि ब्रेन इंजीनियरिंग हमने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि पूरी की पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए, तो बच्चे विद पेज नंबर पूरी बुक सुना देते हैं, पूरी बुक सुना देते हैं, फिर मिड ब्रेन का डेमो इन्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? तो कहते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग में एज लिमिट है सर? कोई एज लिमिट नहीं है, ये भी समस्या खत्म हो गई, इसीलिए कोर्स आपका यूनिक, इसलिए लोग ये ले सकते हैं, इसीलिए 1,60,000 जो आपके दिमाग में ना सर, न केवल ये, उसके अलावा एक और कई लोग हैं, बहुत एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी पूरी अकेली DMIT के लिए कह देते हैं साहब इसका हमारा होलसेल अधिकार है, हम यहाँ फलाने ऑर्गेनाइजेशन से लेके आए हैं, इसी का लाइसेंस है, बाकी किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, 10 तरह की बात कहते हैं सर, वो एक तरह से ऑब्सोल्यूट है, वो खत्म हो गया, वो पुराने जमाने की चीज़ खत्म हो गई, उसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है रिस्क एनालिसिस नाम से, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो अपडेटेड वर्जन है जो DMIT से बहुत आगे है, तो आपने कुछ भी प्रोग्राम ले रखा होगा बहुत अच्छी बात है ले रखा होगा, हम उसका करते हैं, हम तो क्लब का सदस्य बना के आपको हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कोर्सेज नहीं है आपके पास में, तो कोर्सेज के लिए तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो कमा के इन्वेस्ट कर लो, यूनिक चीज पास में होगी तो स्कूल मौका देगा, प्रिंसिपल भी अट्रैक्ट होंगे, क्या चीज है, तो ये लोग डेमो किस चीज का दिखा सकते हैं वहां सेमिनार सर जिससे लोग अट्रैक्ट हो, पेरेंट्स, बच्चे, प्रिंसिपल? देखिए सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त बात बोली, 3 तरह के डेमो दिखाए जा सकते हैं, एक सबसे पहले जो नंबर्स का डेमो किया जाता है डायनेमिक मेमोरी का, वो डेमो दिखाया जा सकता है, दूसरा जो सबसे यूनिक है जिसका भी हम लोग आपको बता रहे हैं ब्रेन इंजीनियरिंग का, उसके बच्चे तैयार करके आप खड़े कर सकते हो, किताबें सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और पूछा जाए बताओ
कौन से पेज पे क्या, और बच्चे फटाफट आंसर करते हैं। तो एक तरफ तो आप बोर्ड पे लिखते जा रहे हो नंबर्स और खट से याद करके सुना दिया, दूसरी तरफ आपके कोर्स की किताब सारे बच्चों को आपने खटाखट उन्होंने बच्चों ने सुना दिया, ये दो तरीके हैं। तीसरा मिड ब्रेन का ब्लाइंड फोल्ड का भी दिखा सकते हो, दिखाया जा सकता है, हम नहीं दिखाते कि जरूरत ही नहीं है। जैसे डीएमआईटी पुराना होता जा रहा है, रिज एनालिसिस नया आ गया, वैसे मिड ब्रेन थोड़ा थोड़ा पुराना होता जा रहा है, ब्रेन इंजीनियरिंग के डेमो नए आ गए, बिल्कुल डायनामिक मेमोरी का नए आ गए। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आनंद आ गया। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी लोग दर्शक है जो डीएमआईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मिड ब्रेन, ईएसपी, फोटोग्राफी, क्यूएसआर, ये वर्कशॉप आप लोग अगर करा रहे हैं लंबे टाइम से, लेकिन अगर आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त हेल्पफुल होने वाला है। आपके कई सारे डाउट्स इस वीडियो के जरिए क्लियर हो सकते हैं और सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी है कि आप टीम 360 का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्लब वाली चीज भी भारत में पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि टीम 360 का इनिशिएट है कि आपने कहीं से भी ले रखा हो, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी डीएमआईटी आपने ले रखी है, लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना दिल खोल के आपको इनवाइट कर रही है कि चलो तुमने कहीं से भी ले रखा हो, तुम हमारे सदस्य नहीं हो, यानी तुम किसी और के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पिता बनने के लिए हम लोग रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, तुम कहीं से भी लिया हो आप हमारी टीम में जुड़ सकते हो और इसको ग्रो कर सकते हो बिजनेस को। तो मेरे हिसाब से 30,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, जब सर ये भी कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हें स्कूल करने में भी हेल्प कर देंगे, यानी कि आप किसी भी शहर में रहते हो वहां की स्कूल में सर लाइजनिंग करके बात कर सकते हैं, लेकिन जाके आपको काम करना होगा, रेफरेंस दिया जा सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हमें लगी। और मैं चाहूंगा सर नेक्स्ट वीडियो में एक बार सर से एक बार और मुलाकात करेंगे, एक और पॉडकास्ट करेंगे जो कि क्या नई चीज है, रिज एनालिसिस जो इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, तो हम चाहूंगा कि आपके साथ में दोबारा बैठे रिज एनालिसिस के जरिए लोगों को बेनिफिट दें। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हो कि डीएमआईटी का अपडेटेड वर्जन क्या है रिज एनालिसिस, उसके बारे में डिटेल में बताइए कि क्या चीज है, क्योंकि डीएमआईटी की रिपोर्ट आप लोगों के पास है, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस वगैरह सब, मल्टीपल इंटेलिजेंस सब आप जानते हैं एक्सवाई जेड डीएमआईटी के बारे में, पर रिज एनालिसिस में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है वो हम जानेंगे सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दूसरा नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, धन्यवाद।